दिल्ली के अंदर आज़ादपुर मंडी, चूंकि पूरे देश से किसानों के फल और सब्जियां आती हैं। लॉकडाउन दिल्ली में लागू होने के बाद वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के दिक्कत पैदा हुई थी, और उसके लिए वहाँ पर जो सब्जी और फल बिक्री का जो सिस्टम था उसे बदला गया था, जिसमें वहाँ पर ऑड इवेंट की व्यवस्था की गई थी और सब्जियों का और फल का आवक कम किया गया था। इस स्थिति से हम सोशल डिस्टेंसिंग को तो लागू करने में सफल हुए, लेकिन दो दिक्कतें पैदा हुईं। एक तो दिल्ली के अंदर फल और सब्जी के दाम, कई जगह से खबरें आई कि बढ़ रहे हैं, और दूसरा देश भर में जहाँ से फल और सब्जी उत्पादक किसान हैं उनको दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि उनके माल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो सोशल डिस्टेंसिंग को लागू रखा जाए, फल और सब्जी के दाम ना बढ़ें और किसानों को भी दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि कल से आज़ादपुर मंडी 24x7 खुलेगी, 24 घंटे मंडी को खोला जाएगा। उसके लिए तीन चीज़ों का सिस्टम बनाया गया है। पहली चीज़ हमारी प्राथमिकता है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। उसके लिए वहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक फलों और सब्जियों की बिक्री होती रहेगी। इसके लिए अभी जो हमने चार सेगमेंट बनाया है, चार चार घंटे पर 1-1 हज़ार लोगों की एंट्री केवल दी जाएगी, और उसके लिए कूपन जारी किया जाएगा, जिससे कि 1-1 हज़ार लोग जो पहले एक ही समय में जो गैदरिंग हो रही थी वो स्कैटर्ड होकर के वो सुबह से लेकर के और रात 10 बजे तक लोग इंटर करेंगे, तो उसका सिस्टम बनाया गया है। और दूसरा जो है, रात के समय 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक वहाँ पर ट्रक की एंट्री होगी, जिससे कि वो माल जो है वहाँ पर इंटर हो सके और उसमें जो एक गैदरिंग होती है उसको भी स्कैटर किया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।